है सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया, लेकिन बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने बयान से बवाल मचा दिया। सीटों के बंटवारे से नाराज विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने तेजस्वी और तेज प्रताप के सामने ही महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पीठ में चूरा घोंपा जा रहा है। खुद को अति पिछड़ा का बेटा बताकर सहनी ने इस धोखे के विरोध में वो गठबंधन से बाहर जाने का ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव और उनके करीबी रणनीतिकारों की खुले मंच से फजीहत हो गई। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी के ऐलान के बाद उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करनी शुरू कर दिया। पहले तो तेज प्रताप और तेजस्वी के समर्थक को समझ में नहीं आया, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने भी नारेबाजी करना शुरू कर दी। चारों तरफ शोर शराबा और हो हंगामा का माहौल कायम हो गया। इसी बीच महागठबंधन के तमाम नेता धीरे धीरे कर प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल गए। देश के इतिहास में शायद ही किसी पॉलिटिकल अलायंस के पीसी में इस तरह का हो हंगामा हुआ होगा। पूरी मीडिया के सामने ही तेजस्वी यादव की फजीहत हो गई। वहीं इस घटना के बाद वीआईपी के नेताओं और समर्थकों में ठगे जाने का एहसास हो रहा है। वीआईपी नेता राजीव मिश्रा ने कहा कि अति पिछड़ों के नेता मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव ने धोखा किया है। कोई पार्टी महागठबंधन के साथ आती थी, राजद का साथ देती थी, तेजस्वी जी का साथ देती थी, तो मुकेश सहनी जी की पार्टी, हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, अति पिछड़ों की पार्टी, वो साथ देती थी। और हमेशा जब सबसे पहले ये बात उठी कि महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, तो हमने बार बार कहा कि तेजस्वी जी होंगे। और हमने क्या डिमांड करा था, एक अति पिछड़ा का इतना बड़ा पार्टी इतने कम दिनों में इतने मजबूती से जो पार्टी खड़ी हुई है, जिसके पास 15% से ज़्यादा वोट है, उस पार्टी के साथ इस तरह का अन्याय, इस तरह का छुरा भोंका गया। बार बार बरसों तक हमेशा जब भी बात हो रही थी हमने 25 सीट की डिमांड करी थी और हमने ये कहा था कि अति पिछड़ा समाज से आज के डेट के सबसे बड़े नेता श्री मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। आज हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ पे ये घोषणा होगी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन की बुलाई गई थी। बार बार ये कहा गया था कि आपको उचित सम्मान दिया जाएगा। हमारी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत थी, क्योंकि हमें भी अपने लोगों को, जो हमारे पार्टी में लोग हैं, जो एमएलए के उम्मीदवार हैं, जो हमारे ऑफिस में दिन रात बैठे रहते हैं, हमें भी उन्हें टिकट देके अपने जगह पे भेजना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है। हमारे साथ ये धोखा हुआ है, मुकेश सहनी जी के साथ धोखा हुआ है, अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा हुआ है, और अति पिछड़ा समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े कद्दावर नेता श्री मुकेश सहनी जी के साथ ये धोखा हुआ है। वीआईपी नेताओं का ये दावा है कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को मुकेश सहनी जैसे उभरते युवा नेता से घबराहट हो रही थी, इसीलिए आरजेडी ने मुकेश सहनी के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने की चाल चली। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति के लिए वीआईपी के कोर कमेटी की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। डिमांड करेंगे ये मुकेश सहनी जी अपने बल पे अपनी ताकत से अब इस पार्टी को उन्होंने बनाया, किसी का दिया हुआ नहीं है ये पार्टी उनका, उन्होंने खुद बनाया, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और ये बिल्कुल गलत है, ये गलत हुआ है आज विकासशील इंसान पार्टी के साथ। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग आज होगी, और हमारे पार्टी, हमारे नेता, हमारे पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी और हमारे लोग जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आगे का एक्शन क्या होगा, और जो भी हम डिसाइड करेंगे, जो भी निर्णय होगा,
सबसे पहले हम आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार के देशवासियों को हम बताएंगे। अच्छा, ऐसा क्या लगता है आपको कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव अपने सामने किसी दूसरे युवा नेता को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते? बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट है, चूँकि अति पिछड़ा से अगर उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार श्री मुकेश सहनी जी को घोषित कर दिया जाता, और चूँकि मुकेश सहनी जी एक सुलझे हुए नेता हैं, एक सुलझे हुए व्यक्ति है, तो ये हो सकता था कि वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करते और धीरे धीरे उनका चेहरा महागठबंधन में सबसे बड़े चेहरे के तौर पे निकलता। क्योंकि अगर यंग आज के डेट में बिहार में यंग पॉलिटिशियंस को देखेंगे, जो बस सबसे ज़्यादा इमर्जिंग पॉलिटिशियन है, वो हमारे नेता हैं, श्री मुकेश सहनी जी हैं। और इसलिए ये साजिश के तहत, चूँकि उनको पीछे रखा जाए, ये एक साजिश है, इसका हम विरोध करते हैं। हो हंगामे और शोर के बीच ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया गया। आरजेडी को 144, कांग्रेस को 70, सीपीआई को 6, सीपीएम को 4 और माले को 19 सीटें मिली हैं। आरजेडी को अपने कोटे से वीआईपी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीटों की घोषणा करनी थी, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया तो मुकेश सहनी ने बगावत का बिगुल बजा दिया। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के विद्रोह को नहीं भांपने से तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठना शुरू हो गया है। वैसे भी मुकेश सहनी पिछले कुछ सालों से निषाद जाति में काफी लोकप्रिय हुए हैं, और जिस तरह से उन्हें महागठबंधन में अपमान का घूंट पीना पड़ा, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को अति पिछड़ों के वोट का नुकसान तो जरूर ही होगा। पहले जीतनराम मांझी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और अब मुकेश सहनी के आरजेडी से दूर होने से एक संदेश तो साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव और गैर यादव ओबीसी और महादलित को अपने साथ जोड़कर नहीं रख पाए और मैं समीकरण पर ही डटे रहे। अगर यही हालत रही तो आरजेडी का बिहार की सत्ता में आना एक हसीन ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।